से समझ में आना चाहिए थोड़ी बहुत। बहुत सारे किरदार है इसमें, किसका किरदार आपको पसंद आया? वो हीरोइन अच्छी थी, हीरो भी अच्छा था। गाना कैसा लगा? गाना अच्छा है, एक्शन विक्शन बहुत अच्छी लगी। कितने स्टार्स दोगे 5 में से? 5 में से 4। थैंक यू। बेस्ट पिक्चर देखिए, आपने कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। सबसे अच्छा काम किसका लगा? काम नंदिनी। म्यूजिक कैसा था? बहुत बढ़िया 5 में से कितने स्टार्स दोगे? 5। थैंक यू, वेलकम। कैसी लगी आपको PS2? अच्छा था। सबसे अच्छा काम किसका लगा? सबसे अच्छा आदित्य का। और विक्रम और भी बहुत सारे इसमें किरदार है, बाकी सबके अच्छे थे, मतलब सबने काम अच्छे किए और सेकंड हाफ थोड़ा फास्ट थे। म्यूजिक कितना अट्रैक्टिव? म्यूजिक अट्रैक्टिव है बहुत। और पूरी अगर मूवी में बात की जाए, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? सबसे बेस्ट पार्ट जो लास्ट का 5 सीन है वही है। और 5 में से कितने स्टार्स देना पसंद? 5 में से 4.5। थैंक यू, वेलकम। यस, कैसी लगी आपको? अमेजिंग। सबसे बेस्ट पार्ट क्या था इस मूवी में? बहुत सारा पार्ट था, सॉरी। सबसे अच्छा काम किसका लगा है? बहुत सारे अच्छे। विक्रम। व्हाट अबाउट ऐश्वर्या एंड विक्रम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। म्यूजिक कितना अट्रैक्टिव था? बहुत अच्छा, ये रहमान सर का था, मैं खुद एक म्यूजिशियन हूँ, बहुत अमेजिंग था। क्या लगता है ऑडियंस आएगी मूवी देखने? जरूर। 5 में से कितने स्टार्स देना पसंद? 5। थैंक यू। आपने PS2 मूवी देखी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। सबसे अच्छा काम किसका लगा है? बहुत सारे किरदार थे, सबने अपनी जगह अच्छा काम किया है। अगर पूरी मूवी में अगर बात करें, अगर सबसे बेस्ट पार्ट तो आपके लिए क्या था? बेस्ट पार्ट सभी अच्छे लगे, लेकिन ऐश्वर्या राय जी का ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। उन्हें कहीं से भी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा इमोशनल से जुड़ा मैंने। म्यूजिक कितना अट्रैक्टिव था? ठीक था, बहुत ज़्यादा अपने के सबसे ठीक था। क्या लगता है ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी ये पिक्चर देखने? ऑडियंस वो कह नहीं सकते, लेकिन हर अलग जोन होता है ना ये, तो जिस टाइप का जोन है, तो मुझे नहीं लगता कि 100% आएगी, बट ये कि 70% पब्लिक रिस्पॉन्स देगी। 5 में से कितने स्टार्स देंगे? 5 में से 4 दे देंगे। PS2 मूवी देखी, आपको कैसी लगी? मेरे को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी बनाई है। आई थिंक इन चियान विक्रम की एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। एंड ऐश्वर्या राय बहुत खूबसूरत लग रही है इस पिक्चर में। Part 1 और Part 2 में कितना डिफरेंशिएट है और कितना अट्रैक्टिव है? Part 1 थोड़ा सेटअप हो रहा था पूरा, एम्पायर कौन कौन से एम्पायर किससे है। Part 2 आफ्टर द एम्पायर स्टोरी सेटअप हो गई, तो उसके बाद Part 2 में पूरा एक्सप्लोर किया है कि कैसे रिलेशंस हैं, कैसे एक्शन चल रहा है उसमें। म्यूजिक कितना अट्रैक्टिव है? बहुत अच्छा है, ए आर रहमान इज़ द बेस्ट। क्या लगता है आप बाकी के लोगों को क्या कहना चाहोगे मूवी? इट्स अ थिएटर वॉच, इट्स अ मस्ट वॉच थिएटर वॉच मूवी। एनी मैसेज फॉर एनी ऑफ दी स्टार्स? यू नो, आई लव्ड इट, लाइक साउथ मूवीज आर डूइंग ग्रेट, दे आर रियली रियली डूइंग। 5 में से कितने स्टार्स देना? 5 out of 5। थैंक यू। थैंक यू।